हाय, ये यूनिवर्सिटी सीरीज़ का पांचवा वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे एक और नई यूनिवर्सिटी के बारे में, डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी। डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी साउथ डकोटा के मेडिसन शहर में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले हम डिटेल में जानेंगे कि यूनिवर्सिटी की पूरी प्रोफाइल क्या है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि आपका इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी ट्यूशन फीस कितनी है और बाकी अदर क्राइटेरियाज क्या हैं, इसके प्रॉस एंड कॉन्स एवरीथिंग हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1881 का है, यानी ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसका जो एंडोमेंट है वो 16.2 मिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि सुनने में काफ़ी कम लगता है। पहली बार में मुझे भी लगा कि 16.2 मिलियन काफ़ी कम है एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से, लेकिन जब मैंने इसकी और डिटेल जानी तो मुझे लगा कि ठीक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वो क्यों और इसका रीज़न क्या है मैं अभी वीडियो में आपको समझाऊंगा। इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें एनरोल्ड है वो है सिर्फ 3,307, बहुत कम नंबर है स्टूडेंट्स का। ठीक है, इसका जो कैंपस एरिया है वो भी है 61 एकर्स का। अब अपन हर बार की तरह जानेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप किस तरीके के वेदर में, किस तरीके के क्लाइमेट में आप रहने वाले हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी शहर में या किसी भी स्टेट में जब आप मूव हो, हमेशा इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप किस तरीके के वेदर में रहने वाले हैं। इसका जो वेदर है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो चलिए अपन इसके वेदर पर एक नज़र डालते हैं। मेडिसन शहर का जो टेम्परेचर है वो समर में मैक्सिमम जाता है 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक और मिनिमम जाता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि रात में, और विंटर में मैक्सिमम यानी दिन में जाता है -5 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में जाता है -16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ ये नोटिस करने वाली बात इसलिए है क्योंकि अगर आप एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इन चीज़ों के पेशेंट हैं या इस तरह की कोई आपको प्रॉब्लम है तो ये चीज़ आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। इसलिए ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी आप किसी शहर में मूव हो तो वहाँ के वेदर के बारे में अच्छे से जान लें। तो ये उसका आप ड्रॉबैक लेकर के चल सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का ड्रॉबैक है, लेकिन ठीक है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन वहाँ सर्दियों का टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है, तो आप मान लीजिए ये उनमें से एक है। अब इसका बेस्ट पार्ट क्या है, बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ, इसकी ट्यूशन फीस। इसकी जो ट्यूशन फीस है वो है 11,930 यूएस डॉलर, अप्रॉक्सीमेट 12,000 यूएस डॉलर आप किसी ट्यूशन फीस मान सकते हैं। और अगर अपन इसके कंप्लीट I-20 की बात करें तो ये है 25,828 यूएस डॉलर का, यानी विथ रहना, खाना पीना और सब कुछ, ये आपको 26,000 डॉलर का एक कैलकुलेटिव अमाउंट है जो कि यूनिवर्सिटी आपको I-20 के तौर पर दिखाती है कि 26,000 डॉलर अगर आपके पास अप्रॉक्सीमेट है पर ईयर के लिए तो इस यूनिवर्सिटी में आप इजीली अपना गुजारा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है। इस यूनिवर्सिटी की खासियत सिर्फ तब है अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर साइबर डिफेंस में मास्टर डिग्री करने के लिए आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो ही ये यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है। इस यूनिवर्सिटी को मेनली जाना जाता है सिर्फ साइबर डिफेंस के लिए, और साइबर डिफेंस की पढ़ाई यहाँ पे इतनी अच्छे स्तर की होती है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS और NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ये दोनों ही संस्थाएं अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी की सराहना करती हैं इस लेवल की पढ़ाई में, यानी साइबर डिफेंस में। तो और आप दोनों ही जानते हैं कि दोनों ही अमेरिका की बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस हैं, DHS और NSA। और दूसरी अगर अपन बात करें कि इसके GPA यानी अगर आप GPA कितना रिक्वायर्ड है अगर आप मास्टर डिग्री करने के लिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका अंडर ग्रेजुएशन का GPA जिसे अपन इंडिया में बैचलर्स का GPA कहते हैं वो कितना होना ज़रूरी है। अगर आपका GPA 2.7 आउट ऑफ 4 है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। TOEFL का स्कोर अगर आपका 76 है तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और IELTS स्कोर अगर आपका 6.0 भी है तब भी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी वजह से आपका अंडर ग्रेजुएशन का जो स्कोर है वो 2.7 से भी डाउन है, अब क्या किया जाए? इसके लिए सीधा सा एक ऑप्शन है कि अगर आप GRE 300+ पे क्वालिफाई करते हैं तो आपका फिर अंडर ग्रेजुएशन का GPA यूनिवर्सिटी नहीं देखती है। अगर आपका GRE स्कोर 300+ है आउट ऑफ 340 तो ये यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है, यानी आप उसके क्राइटेरिया को फिल करने लगते हैं। तो ये मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी लगी खासतौर पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर साइंस या साइबर डिफेंस में मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। इसका जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस रेट भी इसका अच्छा है, यानी आप काफ़ी चांसेस होंगे कि अगर आपकी प्रोफाइल से मीट करती है तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। साउथ डकोटा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय छात्र भरपूर मात्रा में जाने से बचते हैं, यानी यहाँ पे आपको बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय लोग मिलेंगे,
लेकिन ये आपको अमेरिका जाके अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का जो आपका मौका है वो आपको जरूर देगी यूनिवर्सिटी। और सबसे बेस्ट पार्ट, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताते रहता हूँ, कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 1881 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका I-20 देखने के बाद वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करेगा आपकी, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी की वजह से कई लोगों का जो वीज़ा रिजेक्ट होता है वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। तो इस यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस या साइबर डिफेंस में मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में आपकी क्या राय है या इससे रिलेटेड क्या आपके मन में कोई और भी सवाल है, तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में आप किस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं वो भी अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोस में उन सभी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल में इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगा। ये एक छोटी यूनिवर्सिटी थी इसलिए थोड़ा छोटा सा वीडियो था। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में कुछ और नई वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।